सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार यही सोशल मीडिया लोगों की बंद किस्मत का ताला खोलने की चाबी भी साबित होता है। और अगर आप सिंगिंग सेंसेशन रानू मंडल के केस को देखेंगे तो आप हमारी बात से इनकार नहीं करेंगे। बंगाल के एक स्टेशन से माया नगरी मुंबई तक का रानू का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हालांकि कल तक जो रानू सोशल मीडिया की क्वीन थी, आज वही रानू लोगों की नजर में किसी डेविल से कम नहीं, और इसकी वजह है उनकी आए दिन सुर्खियों में आते टैंट्रम्स। तो आज एक नजर डालते हैं सिंगिंग सेंसेशन बनी रानू के उन किस्सों पर जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था बवाल। नंबर वन, मेकअप ब्लंडर। वेल, हमें ज्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं। पहला किस्सा या कहे बवाल अभी हाल ही का है, जब एक इवेंट में किया रानू का मेकओवर डिजास्टर बन गया। जब रानू की ये पिक्चर सभी के सामने आई तो देखने वालों के होश उड़ गए। बता दें कि उनका ये मेकओवर उनकी स्किन टोन से काफी लाइट था, और यही वजह है कि रानू को सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया। नंबर टू, जब लता मंगेशकर ने दी नसीहत। रानू मंडल को शुरुआत से ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जोड़ कर देखा जाता रहा है, क्योंकि सुनने वालों का कहना है कि रानू एकदम लता मंगेशकर जी की तरह ही गाती है। हालांकि लेजेंडरी सिंगर लता जी को ये बात शायद नागवार गुजरी। तभी दोनों ने रानू को एक बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि अपनी आवाज में गाओ, किसी को कॉपी मत करो। बेशक लता जी का इशारा कुछ और था, लेकिन ये ऐसा मामला था जब लोगों ने खुलकर रानू का सपोर्ट किया और लता जी को लताड़ लगाई। नंबर थ्री, जब छूने पर भड़की रानू। डोंट टच मी, ये लाइन तब लोगों ने बोलनी शुरू कर दी थी जब रानू ने एक फैन के टच करने पर हंगामा करना शुरू कर दिया था। दरअसल ये किस्सा भी अभी हाल ही का है, जब एक मॉल में सेल्फी लेने के लिए फैन ने रानू को टच किया तो उन्होंने इस फैन को जमकर लताड़ लगाई थी। इस वीडियो पर न सिर्फ लोगों ने रानू की क्लास लगाई थी, बल्कि उन्हें तरह तरह की नसीहतें भी दे डाली थी। खैर, कहते हैं कि जो फैंस एक आम आदमी को खास बना सकते हैं, वो खास को भी आम बनाने में वक्त नहीं लगाते। ऐसे में अगर रानू मंडल, जो अभी अभी स्टारडम की गाड़ी में सवार हुई हैं, उन्हें लोग ना सिर्फ इस गाड़ी से उतार देंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इनकी किस्मत की गाड़ी भी रोक देंगे।